तो लास्ट पार्ट में हमने हाउसियान को देखा था जो कि डिमन पिलर और डिमन क्राउन के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको इस बात के बारे में पहली बार पता चला था जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान से कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुमको इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, अभी तुम्हें अपने पावर को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद वो हाउसियान को जल्दी से जल्दी अपने लेवल 9 को अचीव करने को बोलते हैं क्योंकि अगर तुम अपने लेवल 9 को अचीव कर लेते हो तो तुमको भी एक थ्रोन ऑफ सील को चूज करने का मौका मिलेगा। अब इस बात को सुनकर हाउसियान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको इसके बारे में पहले पता नहीं था। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान से कहते हैं कि तो फिर ठीक है, हमने काफी ज्यादा बात कर ली। इसके बाद वो वहाँ पर एक टेक्निक को बाहर निकालते हैं और वो हाउसियान को दे देते हैं जो देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मास्टर से पूछता है कि आखिर यह कैसी टेक्निक है। मास्टर आगे बढ़ते हैं और वो उस टेक्निक को उठा लेते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से मास्टर के आसपास में एक रिंग बन जाती है। इसके बाद मास्टर हाउसियान को बताते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करने की वजह से तुम अपने पावर को अपने साथियों के साथ में शेयर कर सकते हो या फिर तुम्हारा टीममेट जख्मी है तो इसकी वजह से तुम अपने टीममेट के जो जख्म होंगे उसको भी शेयर कर सकते हो। जो सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इससे पहले ऐसी टेक्निक के बारे में नहीं सुना था। मास्टर हाउसियान से कहते हैं कि आज मैंने तुमको काफी ज्यादा शौक दे दिया है जो कि आज तुम्हारे लिए काफी है, और इसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से चली जाती है अपने मदर से मिलने के लिए। अब मास्टर के जाने के बाद मून हाउसियान को लेकर बाहर आ जाते हैं और वो हाउसियान से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी मून के साथ में बात कर रहा था। तो अभी हमें लिसिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में भागती हुई हाउसियान के पास में आती है और वो हाउसियान को चिल्लाती है। अब लिसिन को इतने ज्यादा परेशानी में देखकर हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमको क्या हुआ। लिसिन उसको बताती है कि कार्ड को कुछ हो रहा है, जो सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में उस तरफ चला जाता है। अगले सीन में हमें कार्ड के मदर के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जिसके चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, साथ ही साथ वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था। अब कार्ड के बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि वहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं उन सभी को उसकी पावर महसूस हो रही होती है जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तभी कार्ड की मदर अपने पावर का यूज करके कार्ड को एक शील्ड के अंदर कैद कर देती है ताकि कार्ड की पावर अनलीश ना हो और आसपास में जितने भी बंदे मौजूद हैं उनको चोट ना पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि कार्ड के साथ में क्या हो रहा है, तो आप सभी जानते ही होंगे कि कार्ड के पास में 1000 स्पिरिचुअल फर्नेस है और उसकी खासियत यह है कि वो ह्यूमन के इमोशन की वजह से अपग्रेड होता है। और आप सभी तो जानते ही होंगे कि कार्ड की आंखें चली गई है, तो कार्ड की आंखें इसलिए गई थी क्योंकि उसने अपने फर्नेस को अच्छे से अवेक नहीं किया था क्योंकि वो अपने मदर और फादर से काफी ज्यादा नफरत करती थी जिसकी वजह से उसके फर्नेस का ग्रोथ रुक गया था। जिसकी वजह से जब भी कार अपने पावर का यूज करती है तो उसका एक सेंस चला जाता है, पर अभी के टाइम में कार ने अपने फादर और अपने मदर को माफ कर दिया है जिसकी वजह से उसका फर्नेस अपग्रेड हो रहा है और इसी की वजह से कार के साथ में ऐसा हो रहा है। तभी वहाँ पर हाउसियान भी आ जाता है और वो कार को परेशानी में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कार को सपोर्ट करने के लिए कार के पास में चला जाता है और वो कार को जाकर पकड़ लेता है और उसको गले से लगा लेता है और वो कार को शांत कराने लगता है। अब हाउसियान के आ जाने की वजह से कार शांत हो जाती है जिसकी वजह से उसका फर्नेस अपग्रेड हो जाता है और कार के देखने की पावर वापस आ जाती है। अब इसकी वजह से हाउसियान और कार के मदर फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हमें एग्जोजम पास के सभी मास्टर और मून को दिखाया जाता है जो कि एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने वहाँ पर डिमन हंटिंग ग्रुप के सभी बंदों को बुलाया था। वहीं हमें डिमन हंटिंग ग्रुप के बंदों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि आखिर उनको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। वहीं हमें मून को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी अभी काफी ज्यादा परेशान होगे और तुम सभी सोच रहे होगे कि आखिर मैंने तुमको यहाँ पर क्यों बुलाया है। इसके बाद वो उन सभी को थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि हमारे एग्जोजियम पास को बचाने में तुम सभी का भी काफी बड़ा हाथ है, जो सुनकर वो सभी बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मून
उनसे कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। जो सुनकर वो सभी बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको वापस अपने होली सिटी में जाने का मौका मिलने वाला था। अगले सीन में हमें मून को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदों से कहते हैं कि तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया है और तुम सभी ने यहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। जो सुनकर वो सभी बंदे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी मून उन सभी बंदों से कहते हैं कि तुम सभी बंदों में से सिर्फ 5 ऐसे डिमन हंटिंग ग्रुप है जो कि टॉपर है। जो सुनकर वो सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मून वहाँ पर एक स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं जिन पर उन 5 डिमन हंटिंग ग्रुप के बंदों का नाम था जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया था, जिसमें से हाउसियान के टीम का नाम फर्स्ट पर था और यांग के टीम का नाम सेकंड पर था और लिसिन के टीम का नाम थर्ड पर था और ऐसे ही करकर के 2 और टीम थे। तो अभी मून उन सभी को बताते हैं कि होली सिटी में जाने से पहले तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा क्योंकि तुम सभी ने यहाँ पर अपने मिशन को कम्प्लीट किया है। मिशन को कम्प्लीट ही नहीं किया बल्कि एक जोजियम पास को भी बचाने में हमारी काफी ज्यादा मदद की है, पर अभी हमें उस रिवॉर्ड के बारे में नहीं बताया जाता, वो तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद तुमको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। और यहीं पर हम अपने नोवेल के एक्सप्लेनेशन को खत्म करेंगे क्योंकि मैं आगे के स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।